गाइस अभी अपन अपनी मास्टर के साथ आ चुके आर्थ्रमगिस प्लेनेट पर और अपनी मास्टर गैलेक्टस प्लेनेट को खाकर ही उनकी एनर्जी से जिंदा रहता है और अभी अपनी मास्टर इस वाली प्लेनेट को खाना चाहता है। लेकिन उससे पहले अपन नीचे चलेंगे एंड देखेंगे इस प्लेनेट पर कैसे कैसे जानवर रहता है या फिर इस प्लेनेट की एनर्जी इतना ज्यादा है कि नहीं जिससे कि अपनी मास्टर की भूख मिट सके। और अपनी मास्टर तो ऊपर ही रुकेंगे, चलो अपन चलते जल्दी से नीचे। ऑलराइट, अपन झटके से नीचे पहुंच गए। ये क्या, इस प्लेनेट पर तो इंसान रहता है, अपन भी पहले एक इंसान थे लेकिन इस बार प्लेनेट का नहीं। जब गैलेक्टस अपनी प्लेनेट को खाना चाहता था अपन ने गैलेक्टस से रिक्वेस्ट किया था अगर गैलेक्टस अपनी प्लेनेट को छोड़ देता है तो फिर अपन हमेशा गैलेक्टस की गुलामी करेंगे। तब से गैलेक्टस ने मुझे सिल्वर स्तर पर बना दिया है, उसने अपनी बॉडी को पूरी तरह सिल्वर की बना दिया है। खैर कोई बात नहीं, चलो अपन देखते हैं इस वाले प्लेनेट पर और क्या क्या चीज़ें हैं। और ये वाले इंसान तो ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है, इनको शायद मास्टर खा सकते हैं। ये ले तू, अपनी बोट के एक ही झटके से इनकी गाड़ी छूट गया। अरे तो कुछ भी नहीं है। सिल्वर सर्फर, अभी तक तू क्या कर रहा है? मुझे भूख लग रहा है, जल्दी से देख। ये क्या, अपनी मास्टर तो गुस्सा हो रहे हैं, अपन को जल्दी से जल्दी इस प्लेनेट को छानबीन करना होगा इससे पहले कि मास्टर गुस्सा होकर पूरी की पूरी प्लेनेट को एक झटके में उड़ा दे। वैसे भी इस प्लेनेट पर ज्यादा कुछ देखने का है नहीं। अरे क्या हो रहा है, एक से रुचाओ यार, कुछ तो हो रहा है। ये लोग तो खुद ही खुद को मार रहे, ये कैसे इंसान है, लोग एक दूसरे को मार रहा है। ऑल राइट, ये तो मेरे को भी मार रहा है लेकिन इनके गोली से मेरे को कुछ नहीं होगा। तुम लोग कैसे कैसे ले इनको, तो मैं चुटके में तबाह कर सकता हूँ मेरे कॉस्मिक पावर से। मेरे कॉस्मिक पावर के सामने कुछ भी नहीं है हेले। लेकिन इनको तो मैं चुटके में तबाह कर दिया, अपन को रोकने वाला कोई नहीं इधर। और ये क्या चीज़ है, अरे यार अपन सिल्वर सफर है, ये कैसे अजीब सा चीज़ है। मेरे को लगे इधर सिर्फ इंसान रहता है लेकिन ये है क्या चीज़। ओके इसको ताकत तो बहुत ही ज़्यादा है, ये तो गाड़ी को उठ के मेरे ऊपर फेंक दिया, मेरे को मार रहा है ये। अरे क्या कहाँ पर, अरे तू मेरे कॉस्मिक पावर की झटका। अरे मेरे कॉस्मिक पावर से भी इसको ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, ये है क्या चीज़। अब तू ले, कम ऑन, इससे आज तक कोई नहीं बच पाया और तू बचेगा। अरे भाई इसकी ताकत तो काफ़ी ज़्यादा है, मेरे कॉस्मिक पावर से भी निकल के मेरे को मार रहा है हेले। अरे भाई इसने मेरे को इतना जोर से फेंक दिया है, मैंने सोचा नहीं था इसकी पावर इतना ज़्यादा होगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा मार रहा है। अभी मुझे मेरे मास्टर से हेल्प लेना होगा, मास्टर मुझे आपकी हेल्प चाहिए, बहुत हो गया इसका हेले तू। ऑल राइट, अपनी मास्टर भी इसको ऊपर से अटक कर रहा है। अरे तो मेरे मास्टर के अटक से भी निकल रहा है, कम ऑन हेले तू, इससे इसको बहुत ही ज़्यादा डैमेज पड़ रहा है। ऑल राइट, अपनी मास्टर की पावर के सामने कोई नहीं टिक सकता, देख रहे हो इसकी हालत क्या हुआ है। अपन को तब से बहुत ही ज़्यादा मार रहा था, इसको लगा मेरे को मार देगा लेकिन अपने साथ गैलेक्टस है, ये कैसे मेरे को मार सकता है, कितना भी पावरफुल है तू लेकिन तू गैलेक्टस के सामने कुछ भी नहीं है। अरे भाई ये क्या हो रहा है, कोई चीज़ तो मेरे को मार रहा है लेकिन इधर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, कौन है इधर, पता नहीं है क्या चीज़ मेरे पीछे छुप छुप के मार रहा है। अरे इसको बहुत हो गया तू, ओके इसको मारने पर विजिबल हो चुका है, ये तो एक लड़की है और तू मेरे को मारना चाहता है। अरे लड़की तुझे तो मैं यूं ही हरा सकता हूँ, कम ऑन ले, देख रहे हो ये तब से मेरे को छुप छुप के मार रहा था। इनके पास कैसे कैसी पावर है यार, एक के पास ऐसे अजीब सा बॉडी है और एक ऐसे छुप छुप के मार सकता है, ये पीछे से मेरे ऊपर आग कौन फेंक रहा है, ये क्या, ये तो आग में लिपटा हुआ एक इंसान है, ऐसा इंसान तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये मेरे को आग फेंक मारेगा, इसके ऐसी दिशा ले तू। दो बार भोट के झटके से गया कम से, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है लोग आग कहाँ से रहे, ऐसे अजीब से लोग। अरे ये कौन सा मारा मेरे को, अरे भाई ये कौन मार रहा है। लोग मुझे मिस्टर फैंटास्टिक के नाम से जानता है, तूने मेरी पूरी टीम को हरा दिया। मिस्टर फैंटास्टिक, ये कौन है यार, ये तो काफी ज्यादा मार रहा है मेरे को, बहुत हो गया इसकी, ये ले तू। अरे हमारी टीम आज की सुपर हीरोज है, हम लोग बाहर से आने वाले खतरे से आज को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या आज में सुपर हीरोज भी है, ओके अब मेरे को समझ आया, ये लोग मेरे को समझ रहे थे अपन आज के लिए खतरा है इसलिए मेरे को मारने के लिए आ गए थे, बट कोई बात नहीं तू भी हार जा। अरे तू मेरी बोट के चार पांच झटके से गया कम से, ये लोग मेरे को हराएंगे आज के सुपर हीरोज। कह रहा अपनी मास्टर की खाने के वक्त हो रहा है, चलो अपन चलते हैं। हेलो मिस्टर सिल्वर, ये मेरे को कौन बुला रहा है, और ये क्या, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए और ये लोग तो अभी तक जिंदा है। मिस्टर सिल्वर, मैंने मेरे टेलीस्कोप से देखा अर्थ के ऊपर एक काफी बड़ा एलियन आया है और मैंने ये भी देखा था आप उसके साथी थे। पहली बात, मेरा नाम सिल्वर सर्वर है और वो मेरे मास्टर गैलेक्टस है जो कि अर्थ के ऊपर है, वो भी इस अर्थ को खाना चाहता है। अरे अर्थ पे इतने सारे लोग रहता है, अगर आपके मास्टर अर्थ को खा लेगा तो फिर हम लोग सारे मार जाएंगे, हम सब के बारे में भी सोचो। अरे मैं क्यों तुम लोगों के बारे में सोचूं, अगर मैंने मास्टर को रोका मेरी मास्टर मेरे को भी मार देगा और साथ में सबको खत्म कर देगा। अंकल अभी मैं बहुत ही छोटा हूँ, मैं मरना नहीं चाहता।
अरे बच्चा भी अपन से रिक्वेस्ट कर रहा है। ये बात तो सोचे, अपनी प्लेनेट पर भी ऐसे ही लोग रहते थे, अपन ने उनको बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था और अभी अपन सिल्वर के बन गए। और इस बार अगर इनको बचाने गया, पता नहीं इस बार अपने साथ क्या होगा। अगर मैं गैलेक्टस के खिलाफ गया वो तो मेरे को छोड़ेगा नहीं, वो तो मेरे को छुटके में तबाह कर देगा। अरे नहीं, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर हम लोग सारे मिलकर लड़े तो फिर शायद हम लोग गैलेक्टस को इधर से भगा सकते हैं। ये बात तो ठीक है, इन सबके पास काफी पावर है और अपन भी पावरफुल है, अगर हम लोग सारे मिलकर लड़े तो फिर काम बन सकता है। ये क्या अपने मास्टर तो नीचे आ चुका है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। बेवकूफ सिल्वर सर्फर, तब से तू क्या कर रहा था? अभी मैं मास्टर को कैच अप दू, चलो मैं इनके ऊपर अटैक कर देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। और नीचे वो लोग तो आ ही रहे। ये ले गैलेक्टस। ओके, मैंने गैलेक्टस को झटका देकर नीचे गिरा दिया है। बेवकूफ सिल्वर सर्फर, मैं मास्टर से गैलेक्टस बन गया, तूने मेरे को धोखा दिया है, आज मैं तुझे तबाह कर दूंगा। अरे यार, अपने मास्टर तो अपने पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और मेरे को कैसे कैसे मार रहा है। अगर ऐसे चलता रहा गैलेक्टस मेरे को जल्दी ही मार देगा, मेरा हेल्थ काफी ज्यादा कम है। अरे वो लोग कहां पर गए, आज के सुपर हीरोज मेरी मदद करने वाले थे। गैलेक्टस को कोई तो मारा, शायद सुपर हीरो की टीम आ चुका है। ऑल राइट, देख रहे दोनों मिलकर गैलेक्टस को बहुत ही ज्यादा मार रहा है, लेकिन क्या लोग गैलेक्टस को हरा पाएंगे मुझे नहीं लगता, लेकिन इस छोटे से चीज में काफी ज्यादा पावर है। अरे इसको तो फेंक दिया गैलेक्टस ने, और ये छोटा सा सुपर हीरो गैलेक्टस को मारना चाहता था लेकिन गैलेक्टस ने उसको कुचल दिया बिल्कुल। ये ले गैलेक्टस, बहुत हो गया तेरा। गाइस, इस गैलेक्टस को हराने के लिए आप लोगों की लाइक की जरूरत है, तो जल्दी से लाइक करो एंड चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, अपन और भी ऑसम वाली जीडीपी की वीडियोस लाएंगे। अभी चलो अपन इस गैलेक्टस को हराने की कोशिश करते हैं। ये ले गैलेक्टस, बहुत हो गया, अपन ने तेरी बहुत गुलामी कर लिया है और नहीं करेंगे अपन। अरे इसने मेरे को उठा के कुचल दिया हाथ में। चलो अपन ने फाइनली कॉस्मिक एनर्जी से गैलेक्टस को उठा लिया था, लेकिन ये गैलेक्टस किससे निकल गया। ऑल राइट, इसकी कॉस्मिक पावर से अपन इसको घुमा रहे, देख रहे कैसे कैसे घुमा रहे इसको। अभी मैं इसको बहुत ही ज्यादा घुमा रहा हूँ, गैलेक्टस को मैंने इतना घुमाया है ये तो इधर से गायब हो चुका है। अरे ये क्या, तो गायब नहीं हुए, फिर से मेरे सामने आ गए। सिल्वर सर्फर बेवकूफ, मैंने तुझे इतना पावर दिया और तूने मुझे ही धोखा दिया है। ठीक है, तेरे लिए इस प्लेनेट को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस प्लेनेट के बाहर ऐसे सील बनाऊंगा तू कभी भी इस प्लेनेट से बाहर नहीं निकल सकता। अब तू इधर ही सरता रहे सिल्वर सर्फर। गैलेक्टस के पावर मैंने थोड़ा बहुत कम कर दिया था इसीलिए साथ गैलेक्टस चला गया, लेकिन अभी अपन इस हाथ पे ही फंस के रह जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, चलो अपन इन आद के सुपर हीरो के साथ ही रहते हैं और बाहर से आने वाले खतरों से आद को अपन प्रोटेक्ट करेंगे। गाइस, अभी अपनी एज है 70 साल और अपन पिछले 25 साल से धरती पर ही है और धरती के रेडिएशन से अपने बॉडी गोल्डन कलर का हो चुका है। और अभी तो नया सुपर हीरो की टीम भी आ चुका है, अपन जिनके साथ काम करते थे फैंटास्टिक फोर वो लोग अभी काम नहीं करते। उसके बाद में अभी सुपर हीरो की टीम आया है जो खुद को बोलता है एवेंजर्स, और उन एवेंजर्स में एक बंदा है टोनी स्टार्क, उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसने मुझे वाली मैंसन गिफ्ट दिया है और साथ में इतना सारा गाड़ी भी दिया है। एक से रुचा किसका कॉल आ रहा है, ये क्या, ये तो टोनी स्टार्क का कॉल आ रहा है, उसका नाम नहीं है, उसका कॉल आ गया। सिल्वर सर पर हमें मदद चाहिए, लॉस्ट ऑन उसमें एक पागल टाइटन थैनोस आ चुका है, उसने हमारी एवेंजर्स टीम की सारे मेंबर्स को हरा दिया है, बस मैं और हाल किसी तरह लड़ रहे, तू जल्दी से आ जा, हमें तेरी मदद चाहिए। अब एक ऐसी मुसीबत आ चुका है, चलो अपन जल्दी से चलते हैं इससे पहले कि पूरी पूरी एवेंजर्स टीम खत्म हो जाए। लोकेशन तो इधर गई था। ऑल राइट, अपन काफी तेजी से पहुंच गए इधर। ये क्या, सच में एवेंजर्स की टीम के काफी मेंबर घायल हो चुका है। सच में इधर आयरन मैन और हल्क इस वाली चीज को मार रहा है, यही है शायद थैनोस। अरे भाई, हल्क तो इसको बहुत जोर से मार रहा है, कम ऑन आयरन मैन, तू इसको हरा सकता है, चलो मैं भी इनकी मदद कर देता हूँ। अरे भाई, इसने क्या है खतरनाक वाला शॉट निकाला है, ये क्या, इसने तो हल्क को हरा दिया है, अभी बस टोनी स्टार्क इसको मार रहा है। अरे इसका बहुत हो गया, कहां पर गए ये, ये क्या, इसने तो टोनी को मार के फेंक दिया है, बहुत हो गया तेरी, ये ले तू, तूने पूरी एवेंजर्स की टीम को हराया है लेकिन तू मुझे नहीं हरा सकता, आ जा तू थैनोस के बच्चे, ये ले, इसको मैंने उठा के फेंक दिया है, ये ले तू कॉस्मिक टॉर्नेडो, कॉस्मिक टॉर्नेडो से मैंने गैलेक्टस को भगाया था, तू तो बस एक छोटा सा टाइटन है, ये ले थैनोस के बच्चे, बहुत हो गया तेरा। ऑल राइट, फाइनली अपन इसको भी हरा दिया है, अभी देखते बाकी हीरोज के साथ क्या हुआ है। टोनी और हल्क शायद किसी तरह इधर पहुंच गए, लेकिन ये लोग तो सारे किसी ने मर गए, लेकिन आज के सुपर हीरोज मर नहीं सकते, मैं मेरी कॉस्मिक पावर से सबको जिंदा करता हूँ, कम ऑन सारे के सारे जिंदा हो जाओ, मेरे कॉस्मिक हीलिंग क्रिस्टल से सारे के सारे जिंदा हो जाएंगे अभी। ऑल राइट, फाइनली अपन ने सबको जिंदा कर दिया है, देख लो सबके सब फिर से खड़ा हो गए। अभी अपनी एज 110 साल है, लेकिन 110 साल में भी अपन को कुछ नहीं हुआ क्योंकि अपने अंदर कॉस्मिक पावर है, इसी तरह कुछ नहीं होता। ये क्या हो रहा है, ये डोर भी इतना जोर से कौन नॉक कर रहा है, एक दिन मैं मेडिटेट कर रहा हूँ उस दिन भी कोई एक डोर पे नॉक कर रहा है, अरे कौन है अंदर जाओ। अरे है कौन,
हेलो मिस्टर सिल्वर सर्फर, मुझे लोग उल्वरीन बोलते हैं। हम लोग म्यूटेंट है। पता नहीं किसने म्यूटेंट हंट करने वाले रोबोट छोड़ा है जो कि हमारे सारे म्यूटेंट को मार रहा है। मैं किसी तरह बच के इधर आ गया। अगर आपने हमारी मदद नहीं किया, हम लोग सारे के सारे म्यूटेंट मारे जाएंगे। और रोबोट इतना खतरनाक है और इतना बड़ा है, हम लोग उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहे। म्यूटेंट्स को हंट करने वाले रोबोट, ठीक है तो चला जा, मैं उन रोबोट को रोकता हूँ। आपको हमारी मदद करना ही होगा। ओके तो चला गया है। अभी देखते कौन से पागल रोबोट आ चुका है। सच में मुझे उधर काफी बड़ा एक रोबोट दिखाई दे रहा है। अरे भाई कैसे कैसे अटक कर रहा है, ये तो सच में काफी खतरनाक है। इस रोबोट की ऐसी कैसी, अरे इसने मेरे को देख लिया है, ये मेरे को मार रहा है। ये ले तू। ओके इसको मैंने मार के नीचे गिराया है। क्या मर गया? अरे तू उठ के खड़ा हो गया। अरे ये तो चीजों को उठाकर मेरे ऊपर फेंक रहा है, ये तो चीजों को भी कंट्रोल कर सकता है। इसको हराने के लिए मुझे मेरी पूरी पावर यूज करना होगा। ये ले तू मेरे कॉस्मिक पल्स। लेकिन इससे क्या हो गया, मैंने इसको दूर तो फेंक दिया है लेकिन मैं गोल्डन से बिल्कुल सिल्वर बन चुका हूँ और अपना बॉडी थोड़ा सा जल से गया है। लेकिन इसको हराना ही होगा। अरे तो विंड मिल को भी कंट्रोल कर सकता है, ये कैसे कैसी पावर इसके पास। लेकिन कोई बात नहीं, ये ले तू मेरी फाइनल झटका। और इस फाइनल झटके से सिल्वर स्टार पर सेंटिनल रोबोट को हरा देता है। लेकिन साथ में ये खुद भी मर जाता है। इसकी बॉडी कॉस्मिक बीम की रेडिएशन से पूरी तरह जल जाता है। तो ऐसे ही सिल्वर स्टार की एंड होता है। सो गाइस सबको अच्छा वीडियो लगा तो वीडियो को लाइक करना, एंड गाइस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। अपन और भी ऑसम वाली GTA 5 की वीडियोस लाएंगे। एंड आप लोग कमेंट में जरूर लिखो आप लोग और कौन से सुपर हीरो की लाइफ को देखना चाहते हो। सो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।